प्रवचन सारंश ग्रंथ गाथा नंबर 45 पेज नंबर 78 गाथा नंबर 45। इस प्रकार होने से हाँ इस प्रकार होने से मैंने ठान निषेज विहारा धम्मो देशो निदयो देशिम मैंने स्थान खड़े होना बैठना उठना ये सब क्रियाएं अनंत भगवान के बिना प्रयत्न पूर्वक सहज होने से जैसे कि स्त्रियों की मायाचार सहज है ऐसे उनकी ये सब क्रियाएं प्रयत्न के बिना ही सहज होने से वे बंध का कारण नहीं होती। ये बात कही थी ना पिछली गाथा में, वे सब क्रियाएं मोह के उदय पूर्वक न होने से मोह राग द्वेष से रहित होने से वे बंध की कारण नहीं होती ऐसा होने से। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि वे क्रियाएं मोह से रहित होने के कारण बंध की कारण नहीं होती। कौन सी क्रियाएं? चार चीजें बताई थी ना, खड़े होना बैठना विहार करना धर्मोपदेश आदि और भी है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये मोह के उदय से रहित है, मोहादिहिम विरहिता माने मोह के उदय से रहित होने से ये मोह राग द्वेष से संयुक्त नहीं होने से ये क्रियाएं बंध की कारण नहीं है। इस प्रकार होने से अब कहते हैं कि जो तीर्थंकरों के जो पुण्य का विपाक है तो ऐसा लगता है कई बार कि भाई पुण्य का उदय होगा तो बंधेंगे ही भगवान, समोषण के साथ संयोग है उनको, अष्ट प्रात्याहार का संयोग है, ये सब चीजें हैं और कर्म के उदय से उनका दिव्य ध्वनि खिल रही है, समोषण लगा हुआ है तो वो कुछ तो बंध का कारण होना ही चाहिए। मैंने भले ही भी क्रियाएं बंध की कारण ना भी हो लेकिन जो कुछ भी उनको भी अघात्य कर्मों का उदय चल रहा है साता आदि का उदय वो जरूर उनके लिए नवीन बंध का कारण होता होगा। ये सब भोगों भोग की ये सब विभूति समोषण आदि विभूति उन्हें जरूर बंध का कारण होती होगी। भले ही चलो उठना बैठना बंध का कारण ना हो लेकिन समोषण आदि विभूति तो उन्हें बंध का कारण होती होगी। ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर इस गाथा में दिया है कि तीर्थंकरों के पुण्य का विपाक माने पुण्य का जो फल है, तीर्थंकरों के पुण्य का फल, तीर्थंकर प्रकृति है ना वो किसका फल है? पुण्य का फल। पुण्य तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ी सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है और उस तीर्थंकर प्रकृति का जब फल आता है अनंत अवस्था में तो वो सर्वोत्कृष्ट रूप से आता है। उसका मेन कार्य धर्मोपदेश, तो वो पुण्य का जो विपाक है माने तीर्थंकर प्रकृति का फल वो उनके लिए बंध का कारण होता होगा। ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उसका कह रहे हैं कि वो जो पुण्य का फल भी है उनको माने जो तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है और उसका फल भी सबसे सर्वोत्कृष्ट है लेकिन वो पुण्य का फल भी उनके लिए अकिंचित कर है माने कुछ करता नहीं है, वो उनके स्वभाव का किंचित भी घात नहीं करता, बंध का कारण नहीं होता। माने तीर्थंकर प्रभो के जो अनंत अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति नामक पुण्य का जो फल आता है
और उस फल के कारण अष्ट प्रात्यार्य और विभूति आदि की जो रचना होती है समोषण आदि विभूति की, तो उससे उनको कुछ भी नुकसान नहीं होता, उससे उनके स्वभाव का घात नहीं होता। वो तीर्थंकर प्रकृति का फल उनके आत्मा में कुछ भी नहीं करता है, उनके आत्मा का घात नहीं करता है, स्वभाव का घात नहीं करता है और नवीन बंध का कारण भी नहीं होता। ये बताया तीर्थंकर प्रकृति उसके पहले उदय में नहीं आती। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, अनंत अवस्था से, उसके पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। तो जब वह तीर्थंकर प्रकृति का उदय है अनंत अवस्था में, मैंने सबसे बढ़िया पूर्ण प्रकृति जो है वो तब भोगने को मिलती है, उसका उदय तब चालू होता है जब जीव वीतरागी हो जाता है। सबसे सर्वोत्कृष्ट जो पूर्ण प्रकृति है वो वीतरागी होने के बाद उदय आती है। वीतरागियों को ही सबसे उत्कृष्ट पूर्ण प्रकृति का उदय आता है, रागियों को नहीं आता है। जब तक इतना भी राग हो तो सर्वोत्कृष्ट पूर्ण प्रकृति का उदय आ जाए तो जी उसमें और ज़्यादा राग द्वेष करके और जो है वो कर्म बंद करेगा, उससे उसके स्वभाव का तो घात नियम से हो गई होगा। जिनका जिनका आंतरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उनके लिए थोड़ा बहुत भी थोड़ी बहुत भी जो है ना, मतलब थोड़ी भी अति उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य की बात करो, शारीरिक स्वास्थ्य जिनका कमजोर होता है तो थोड़ी भी ठंडी ज़्यादा ज़्यादा होती है तो वो बिस्तर पे आ जाता है। कमजोर आदमी क्या होगा, ठंड खूब पड़ गई बिस्तर में, गर्मी खूब पड़ गई बिस्तर में, बारिश खूब आ जाए बिस्तर में। ऐसे जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो उनको थोड़ी भी अति हो जाए पुण्य का फल भयंकर आ जाए तो दुखी आपे में नहीं रह पाते, और पाप का उदय भयंकर आ जाए तो भी दुखी, तो भी आपे में नहीं रह पाते। पुण्य का उदय भयंकर आ जाए, इधर से उधर से सब जगह से लाभ ही लाभ हो रहा हो, अरे कहीं लॉटरी वॉटरी खुल जाए तो पागल हो जाते हैं। खुशी सहाती नहीं, खुशी नहीं समाती अंदर में, सहन नहीं होती है, करे क्या, बैठ बैठ के देख देख के नोट देख देख के पागल हो जाए। पछती थी नहीं, हलवा सबको नहीं बच जाता, हलवा खिलाओ खूब खा लो, खूब खा लिया तकलीफ में नहीं मिले खाने को तो तकलीफ, और खूब मिल जाए पौष्टिक और खूब खा ले तो भी तकलीफ। अति पुण्य का उदय हो खतरनाक, संभाले नहीं संभलता है, आकुलता भयंकर बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती है, संभलती नहीं। बिजनेस खूब चलता है जिनका तो वो उसकी संभाल में आकुलित होते जाते हैं, भयंकर ये चल रही, ये भी दुकान चल रही, वो भी चल रही, ये भी चल रही, सुबह से ही उसमें लग जाता है। और कुछ भी नहीं चल रहा तो भी आकुलता होती, कुछ नहीं हो रहा है, और थोड़ा बहुत चलता रहे थोड़ी फुर्सती मिलते रहे, नॉर्मल बना रहता है आदमी का, नॉर्मल बना रहना ही बहुत बड़ी बात है आज की तारीख। आपे में नहीं रहता है, अति पुण्य के उदय में भी आपे में नहीं रहता है, और महापाप का उदय होता तो भी आपे से बाहर हो जाता, देखते कि नहीं देखते। अत्यधिक पुण्य का उदय तो बिल्कुल हवा में उड़ता है, और आकुलता चढ़ जाती है उसको, आकुलता इस बात की कि अरे यार ये भी भोग, ये भी कर लूंगा, संभलती नहीं चीजें कई लोगों से, तो फटाक से कहीं पंख कट जाते हैं एकदम पाट, समझ में आती है। अच्छा ऐसे अति पाप का उदय भी ऐसे ही है, आदमी वहां घबरा जाता है उसे भयंकर, धर्म वर्म एक तरफ छोड़ देता है, मध्यम काम नहीं हो सकता। धर्म का काम तो मध्यम उदय में होता है ना, अति पाप का उदय हो, अति पाप का उदय होता तो कोई को बीमारी हो जाती, खाने को नहीं होता, किसी इष्ट का वियोग हो जाता, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उनमें भी नहीं आ पाता आदमी। और अति पुण्य का उदय चल रहा हो, 10-20 फैक्ट्री चल रही हो किसी की, तो वो तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता,
एक बार बीमार वाला बीमार आ सकता है, पाप के उदय वाला तो फिर भी बैठ सकता है, लेकिन पुण्य के उदय जो है वो उसको यहाँ बैठने ही नहीं दे सकता। हम में से यदि कदाचित कोई भी आदमी यदि सरकारी ऑफिसर होता तो यहाँ नहीं बैठा होता, क्योंकि यहाँ जितने ही बैठे उनमें से एक भी सरकारी ऑफिसर नहीं, मैंने आज तक कोई भी मेरी सभा में नहीं देखा हिंदुस्तान में कि कोई सरकारी ऑफिसर आराम से बैठा। उसको पढ़ना होगा तो घर पे आ जाएगा, घर पे तो आए सरकारी ऑफिसर, घर पे तो कलेक्टर भी पढ़ने आया, लेकिन यूं कहीं सभा में नहीं आएगा। ये सभा में कैसे आ जाएगा, सभा में तो उनको बहुत, हम पढ़ने हम ऐसे बैठ के तो उनके लिए कुर्सी लगाए पहले। अब मैंने कहा तुम कुर्सी लगा के तुम ऊपर बैठ जाओगे तो क्या करेंगे, जिनवाणी के ऊपर तो अपन और उनकी ध्यान रखो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को छोड़ के इससे अच्छा एक काम करो, तुमको पढ़ना तो अकेले ही आ जाओ जितना पढ़ना है तुमको, बाकी वो फिर भी उसमें भी मतलब उतनी उनकी योग्यता ही नहीं बेचारो। 10 दिन में एक दिन आए गए, मेरे मालूम क्या होगा इनका। क्योंकि क्या करें भाई साहब, इतनी चीज़ें लगी हुई है दिमाग पे कि वो पढ़ ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो एक आदमी आया था, एक ऑफिसर था, उसने अल्टीमेटली छुट्टी ली, फिर 2 महीने छुट्टी सीख ली ली उसने, बोले साहब मैं कर ही नहीं सकता कुछ, धार्मिक भावना का व्यक्ति था, छुट्टी ले लेंगे बैठ गए, क्या करें काम इतना। तो ये इसलिए अपने भाग्य तो ही नहीं है सर, भाग्य है क्या, अपने को अपने लिए सोचने का मौका नहीं मिले ये भाग्य है क्या, भाग्य। अब देखो ये जो गाथा है तो इसमें ये कहते हैं, तो अपन तो ये कह रहे हैं कि सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का फल किनको आता है, वीतरागियों को, रागियों को नहीं आता है, समझ में आया ना। अब वो कह रहे हैं कि जो भगवान को सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का जो फल आ रहा है तो भगवान तो उसका बहुत मजा लूटते होंगे कि नहीं भगवान तो वीत रागी है, चलो अच्छा वीत रागी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूर उनको कुछ ना कुछ तो वो पुण्य प्रकृति करती होगी, आखिर कुछ तो वो सोचते ही होंगे कि आखिर देखो मैं तीर्थंकर हूँ, माने वो प्रकृति अपना क्या फल दिखाती है क्या करती है। तो कहते कुछ भी नहीं करती है, कुछ कैसे नहीं करती, कुछ तो करे ही करे, अब इतनी अच्छी बांध ली और अब बांध ली और उसको भोगे ही नहीं। यहाँ तो हम कोई भी कर्म बांधते हैं तो हम बांधते इसलिए कि उसका फल भोगेंगे, कोई काम करते क्यों है जिसका फल भोगेंगे, क्यों दुकान पे अपन बैठे खाए के लिए कमाने के लिए, खाना मिलाने किसी ने भी क्यों बनाया, खिलाने के लिए खाने के लिए। हम सब मेहनत करें क्या, किसान किसानी करे और जब फसल आए वो कह दे कि नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, ऐसा कोई देखा है किसी को, ऐसे ही भगवान ने इतना बढ़िया पुण्य बांधा पहले और अब उसका फल आएगा तो कुछ तो उसको भोगेंगे ही ना। तो कहते नहीं कुछ भी नहीं भोगते, ऐसा आप निश्चित करते थे। फिर से पढ़ता हूँ मैं इसके उत्थान का, इस प्रकार होने से तीर्थंकरों के जो पुण्य का विपाक माने फल है वो किंचित करिए, जैसे मोह के उदय से रहित वो क्रियाएं किंचित करे कुछ नहीं करती है, मोह के उदय से रहित होने से वो क्रियाएं बंद का कारण नहीं होती, जैसे तीर्थंकरों के भले पुण्य का फल भी आए लेकिन वो नवीन बंद का कारण नहीं होता, वो कुछ नहीं करता है, ये हम बताते हैं। पुण्य फला अरहंता ते सिम क्रिया पुणो विगो नैया पुण्य फल अरिहंत जिनकी क्रिया ओदय की कई मोहादि मिलई इसलिए अब इस गाथा का लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति बिचारा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, संस्कृत वंस्कृत नहीं पढ़ रखी हो तो घूम ही जाए सही,
इसलिए क्या है कि थोड़ा अपने को खुद को अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई कुछ भी बोले और आदमी मान लेता है कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत बनते हैं, यहाँ लिखा है और मान ही नहीं रहे। क्या लिखा है? पुण्य के फल से अरहंत बनते हैं, पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल क्या है? अरहंत बनना। तो कौन कहता है कि पुण्य का नाश करके अरहंत बनते हैं, है? कौन कह रहा है कि पुण्य भी बुरा है? अरे पुण्य के फल में तो अरहंत बनते हैं, इनको अरहंत नहीं बनना होगा, इसलिए पुण्य कैसी कह रहे हैं? अपने आप को बनना है कि नहीं अरहंत? तो अरहंत बनना है तो पुण्य के फल में अरहंत बने। कहा लिखा? प्रवचन सार जी में लिखा है। लोग, हाँ भैया ये तो तुमने आज बहुत तत्व की बात बताई क्या, और ये तो अच्छा तुमने प्रवचन सार में ही बताई, अब हम जरूर सबको बताएंगे। अरे क्या बताओगे, क्या है कि पूरी आधी अधूरी जो बात है ना उसका ज्ञान और खतरनाक है। पुण्य फला अरहंत का क्या अर्थ होता है? पुण्य के फल में अरहंत होते हैं कि अरहंतों के पुण्य का फल होता है? पुण्य के फल में अरहंत होते हैं कि अरहंतों के पुण्य का फल फलता है? अरहंतों को पुण्य का फल होता है, अरहंतों को भी पुण्य फलता है, पुण्य का उदय अरहंतों को भी होता है कि पुण्य के फल में अरहंत बनते हैं? और पुण्य के फल में यदि अरहंत बन रहे हैं तो फिर वो सिद्ध बनने में भी ले जाए ना उसको, जिसके कारण अरहंत बने तो वो तो सिद्धावस्था में भी रहना चाहिए ना, फिर सिद्धावस्था में उसका त्याग क्यों करके जाते हैं? यदि पुण्य के फल में अरहंत बन रहे हैं तो फिर उस अरहंत उस पुण्य का त्याग करके और सिद्ध क्यों अवस्था प्राप्त करते हैं? जिसके कारण से तुम अनंत बने उसके उस कारण को तो साथ में रखना चाहिए, और सिद्ध बनने में तो वो कारण और ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो अच्छी पवित्रता को कराया ना उसने, तो अनंत बनाया तुम्हारे को, तो सिद्ध बनाने में तो और बढ़ जाएगा वो। जैसे रत्नत्रय से अनंत बनते हैं तो रत्नत्रय सिद्धों में भी एक नहीं और अधिक है, सिद्धों में भी रत्नत्रय है बल्कि और अधिक है, चारित्र की पूर्णता है। तो ऐसे ही क्या सिद्धों के भी पुण्य है? नहीं है। तो क्या अनंत भगवान पुण्य को सिद्ध अवस्था में ले जाते हैं? नहीं। अरे सिद्ध बनने के लिए सारे पुण्य का क्षय होता है तब वो सिद्ध बनते हैं, यदि पुण्य से कुछ होता तो वो उसका क्षय क्यों करते, बल्कि वो तो पुण्य पाप सबका क्षय करके ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुण्य जो है वो अनंत या सिद्ध पद दिला रहा हो, यदि दिलाता होता तो उसका नाश क्यों करते, उसको तो रखते ना। अर्थ कर, अर्थ करने वाला तो स्वतंत्र, जो भी चाहे जो अर्थ कर, वो कहीं भी, ये तो संस्कृत में अर्थ देख लो, प्राकृत में देख लो, हिंदी में देख लो, किसी भी कहीं से छपी हो, आकाश से छपी हो उसमें देख लो, तो हिंदुस्तान की कोई भी लाइब्रेरी छपी हो उसमें देख लो, अरे कोई भी संस्कृत भाषा वाला जानकार होगा तो कह देगा कि इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि अनंत भगवान के पुण्य का फल होता है, अनंत भगवान पुण्य के फल वाले, न कि पुण्य के फल से अनंत बनते, पुण्य फला अरहंता माने अनंत के पुण्य का फल होता है बस। और पुण्य से प्रीति के पुण्य का कारण संसार कारण नहीं मोक्ष कारण, जो संसार में रखड़ा है वो अच्छा कैसे हो जाएगा? और आगे तो एक गाथा आएगी, नवी मंडनदि जो एवं नत्थि विशेषोति पुण्य पावाण हिंडदि घोरं पारं संसारं मोह संचन्नो, पुण्य एवं पाप में अंतर नहीं, पुण्य एवं पाप में अंतर नहीं, पुण्य एवं पाप में अंतर न जो अंतर न माने बात जो, संसार सागर में घूमे मद मोह से आच्छन्न हो। गाथा है, पुण्य एवं पाप में अंतर नहीं जो न माने बात ये, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है जो इस बात को नहीं मानते हैं, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न हो। सितर नंबर गया। अब फिर तो पुण्य के फल में पुण्य पाप को समाप्त करें, तो तुम पुण्य के पुण्य को क्या पुण्य से क्या बना रहे हो? अरे
हम कह रहे हैं पुण्य पाप समान है और ये पुण्य का फल कह रहे हैं अनंत। तुम पुण्य कमाओगे तो सोधर्म इंद्र में चले जाओगे। अरे सोधर्म इंद्र भी जो बनता है वो अपनी रत्नत्रय से बनता है, पुण्य से नहीं बनता है। रत्नत्रय होती है शुद्धि, और रत्नत्रय के साथ में जो बचा कुचा पुण्य होता है उसका फल है वो। तो रत्नत्रय तो है ही नहीं और बस सोधर्म इंद्र का पुण्य भागना है। असली माल है ही नहीं और ये चले गए कहाँ पे, ज्वेलरी की दुकान पे, और बोले कि साहब डिब्बा दे दो। डिब्बा माल कितना खरीदना है, बिना माल के डिब्बा दे, भगाएगा तुम्हारे को कुछ नहीं करेगा, यहाँ से भागो। डिब्बे बिना माल के नहीं मिलते हैं, पैसे ले लेना, पैसे डिब्बा देने के लिए बैठेंगे यहाँ पे, यहाँ डिब्बे की दुकान है क्या भाई साहब। थोड़ा तो 10,000 का खरीद लो, 1 तोला खरीदो, 5 तोला खरीदो, क्योंकि हम 1 सेकंड भी डिब्बा देने में क्यों लगा, हमारा टाइम जाया होता है। हम डिब्बे लेके आए उसमें हमारा टाइम खर्च हुआ है, हमारा डिब्बे की दुकान नहीं खोली। काहे की दुकान, सोने हीरे की दुकान, हीरे की दुकान वाला डिब्बे से कोई मतलब नहीं होता। यूं ही दे दो, यूं ही क्यों देवे, ले ना माल, माल लो, जितने डिब्बे चाहिए उतने ले जाओ माल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही तुम माल की बात करो, माल की, माल क्या है, रत्नत्रय वो असली माल है। अब माल होएगा तो ये सब कचरा पेटी तो यूं ही आ जाएंगे, डिब्बे डालने जितने भी डिब्बे डालने से होएगा क्या, क्यों? ये मैंने एक जगह पढ़ा कहीं पे, कहीं कहाँ पढ़ा, महिला सशक्तिकरण। तो मैंने सोचा कैसे सशक्त हुई, जरा देखी तो देखा तो तंबोला, मैंने तंबोला से महिलाएं सशक्त कैसे हो रही, डिब्बे डालनी बांटने से सशक्त होगी महिला, और कोई उपाय नहीं दिखा इस भाई को। यदि इसको महिलाओं को सशक्त करना था तो कुछ इनको शिक्षा देती, कुछ ज्ञान देती, ये तो सट्टा खिला रही है महिलाओं को सशक्त बना रही है। ये सशक्तिकरण का उपाय है क्या, मेरे को समझ नहीं आता। और बहुत सारी महिलाओं के नीचे नाम, मैंने कहा कितनी कमजोर है, अपनी कमजोरी का प्रतीक दे रही है, इनके दिमाग में और कुछ आया ही नहीं, इनको सशक्त बनने का एक ही उपाय दिखा, तब बोला। बोलो, मैंने बुद्धि का दिवालियापन कितना है कि इनकी सोच इसके अलावा और कोई सोच ही नहीं सोच सके कि अपन और भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं जिंदगी में, कि एक ही चीज बची बस कि अपन सब मिल जाए और तम बोला खेले। वो आदमी हमारे पास आया, साहब अनाउंस कर दो कार्यक्रम का, महिला सशक्तिकरण का। मेरे को लगा सशक्तिकरण हो रही थी, महिलाएं सशक्त हो रही थी, कर दो सशक्ति को, देखा तो ये क्या है, सशक्तिकरण है। ये अपने कुछ तो विवेक होता है ना आदमी को कि भाई क्या हो रहा है, इससे क्या होएगा, है पुण्य के फल में अनंत है, कि पुण्य के फल में अनंत है, अनंतों के पुण्य का फल है, अनंतों के पुण्य का फल है। और आगे क्या कहते देखो, तो इसलिए ये पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। वो कह रहे हैं जो ये बात नहीं मानता है ना, वो तो संसार सागर में घूमता है, क्योंकि उसका फल तो संसार है। तो अनंत भगवान के पुण्य का उदय होता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अनंत भगवान पुण्य के कारण नहीं बनते हैं। तेसिन क्रिया पुणोवी ओदैया, उनकी जो क्रिया है ना, किनकी क्रिया, वो ओदैकी की क्रिया मानी गई, कर्म के उदय रूप क्रिया मानी गई है। मैंने ओदय की क्रिया माने कर्म का उदय है, ये जो कुछ भी है सब उनके कर्म का उदय है। तो कर्म का उदय है तो ओदय की क्रिया तो बंध का कारण होती है, औदयिक भाव बंध के कारण माने गए, तो उनको भी बंध तो होता होगा। तो कहते नहीं, औदय की तो है, उनका उदय तो है, लेकिन मोहादिहिम विरहिता, लेकिन उनके मोहादिक से वे क्या है, विरहित है, माने मोहादिक से रहित है। तम्मा इसलिए, सा माने वे सब पुण्य का फल, वो सब पुण्य का फल या वे सब क्रियाएं खाइक छाइक इति ऐसी मदा मानी गई है। पुण्य का फल अनंतों के होता है
और अरहंतों के पुण्य का फल होने से वे सारी क्रियाएं उनकी क्या है, उदय की है, माने पुण्य के उदय रूप क्रियाएं हैं। वो सारी क्रियाएं कैसी है, पुण्य के उदय वाली। लेकिन वो पुण्य के उदय वाली तो है, लेकिन वो मोहादिक से रही थे। पुण्य का उदय तो खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, पुण्य के उदय में होने वाली सारी क्रियाएं भी उनकी है, लेकिन वे सारी क्रियाओं में एक ही बात विशेषता है कि वो मोहादिक से रहित है बस, और वो मोहादिक से विरहित है, तो इसलिए वो सारी क्रियाएं छाई की मानी गई। उदय की क्रिया को छाई की कह रहे, वो उदय में जो कर्म आ रहा है वो क्षय होने के लिए आ रहा है। उनके अघात्या कर्म क्षय होने के लिए आए हैं, उनको पुण्य का फल बांधने के लिए नहीं आया है, खिलने के लिए आया है। उनके जो जो भी साता का उदय वो काय के लिए है, क्षय होने के लिए, नवीन कर्म बंद के लिए नहीं है। उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तीन लोक के जीव सो इंद्र उनको नमस्कार करे, तीन लोक की विभूति यदि एकत्रित होकर समूषण में आ जाए, क्या सर्वोत्कृष्ट सामग्री भी वहां हो, भगवान के अष्ट प्रातिहार भी हो, महा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी पुण्य का उदय हो, तो भी वो उनके लिए कुछ भी घातक नहीं है, वो उनको रंच मात्र भी बंध की कारण नहीं होती। इसलिए उनकी कितनी भक्ति करो, सेवा करो, उपासना करो, उनके आगे कुछ भी रखो, उनके आगे हम अपनी सारी विभूति भी रख दे, तो भी उनके लिए दोष का कारण नहीं होती वो, क्योंकि वे मोहादिक से रहित है। तुम उनके आगे तीन लोग की मतलब पूरी अपनी विभूति रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो रागी के सामने रखने में डर है, क्योंकि वो रागी को यदि हम ऐसी सामग्री दें तो उसको राग उत्पन्न हो सकता है, रागी के लिए राग उत्पन्न में निमित्त हो सकती है, लेकिन रीत रागी के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम चांदी के फूल चढ़ाएं, सोने के फूल चढ़ाएं, हैं कुछ भी चढ़ाओ तुम, जो भी प्रासंगिक चीज़ है, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम उनके लिए सब कर देते हैं। और ये वीतरागी है ना, वो वीतरागियों के लिए सब क्रियाएं कोई घात का मतलब उनके लिए कोई पतन का कारण नहीं होती है, क्योंकि उनके मोहादिक भाव नहीं है। मोहादिक भाव नहीं होने से आप कुछ भी करो वो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखते। तुमने सोने के फूल चढ़ाए हो, चांदी के चढ़ाए, तुम्हारी अपनी भक्ति का फल तुमको मिलेगा, और वो भी भक्ति का, सोने का नहीं, जो भी तुम्हारे अंदर में भाव से भक्ति होगी उसका फल मिलेगा, लेकिन वो भगवान उसकी तरफ देखेंगे क्या, कुछ नहीं, भगवान को उससे कोई प्रयोजन नहीं। क्यों, क्योंकि भगवान मोहादिक से रही थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, देखो अभी क्या बात है, कथा में क्या बात कही अपन ने, पुण्य फला अरहंता, अरहंत पुण्य फल वाले हैं, तेसिम क्रिया पुणोवी उदैया, उनकी वे सारी क्रियाएं उदयी की कही गई है, लेकिन वो मोहादिम विरहिदा, वो मोहादिक से रही थे, तम्मा सा खाई गति मदा, इसलिए वे सब छाई मानी गई है, माने यद्यपि वो उदय में तो आ रही है लेकिन वो क्षय होने के लिए आ रही है, क्षय होगी बस, उनके तो जो कुछ भी है सब क्षय होने के लिए, कुछ भी नहीं है, कुछ बदलने के लिए कुछ है ही नहीं, समोषण पैदा समोषण लगा है बिगड़ने के लिए, हर चीज़ बिगड़ने के लिए, और क्षय हो रही है। उनका जो पुण्य बांध रखा था उन्होंने इतना ढेर, वो पुण्य का फल, वो पुण्य जो है अपना फल दे के क्षय हो रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे दुकान से यदि माल बिकता जाए बिकता जाए बिकता जाए, हमने क्या टेंशन, यदि दुकान में माल बिकता ही जाए और खरीदे कुछ भी नहीं एक रुपए का भी, तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक दिन दुकान दिवालिया मतलब दुकान साफ, भाग हो जाएंगे हम। यदि एक रुपए का भी माल आता हो तो दुकान बंद नहीं हुई, एक रुपए का भी आता हो, कोई आदमी ये लगा दे कि हम दुकान बंद कर रहे हैं इसलिए हर चीज आधी भाव पे, और वही आदमी कहीं माल खरीदता हो दिख जाए, लोग कह देंगे अरे ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, माल क्यों खरीद रहा है, वो दुकान बंद करनी है। और वो भले कितनी सफाई दे रहे कि नहीं 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 जो खास खास माल है वो लेना है, कुछ नहीं है, कोई भरोसा नहीं लोगों का, ये केवल बातें बातें की बातें हैं। यदि तुमको दुकान सचमुच बंद करनी है तो इतनी सी भी खरीदी नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हें सचमुच मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो कर्म बंद इतना भी नहीं होगा, और जो है वो सब क्षय होने के लिए होगा, तो हो जाएगा सब, अघाती का क्षय होकर एक दिन मुक्ति हो जाएगी। देखो पढ़ता हूँ मैं, अनंत भगवान पुण्य फल वाले हैं,
और उनकी क्रिया उदय की है, मैंने कर्म के उदय से होने वाली है, जो जो भी उनकी क्रिया है वो सब कर्म के उदय से होती है। मोहादिक से रही थे इसलिए वह छाई की मानी गई है, कर्म के क्षय करने वाली मानी गई। टीका, अनंत भगवान जिनके वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए। कितनी बढ़िया भाषा है, कितनी अच्छी उपमा दी पुण्य को कल्प वृक्ष, और अनंत भगवान के वो कल्प वृक्ष के पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के सारे फल पक गए हैं। फल पक के क्या करता है, उदय में आता है ना, फल पक जाता है तो खाने में आता है, अच्छे से बढ़िया खाओ खूब, आम पक गया खाने में आ रहा है काम में। ऐसे ही अनंत भगवान ने जो जो भी बांधे थे वो सब पक चुके हैं, मैंने अब उनका फल चालू हो गया है। बांधा था किसी और भाव में, अनंत प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति किसी और भाव में बांधी, वो काम बांधी, लेकिन आज जाके वो क्या हो गई, पक गई। तेरहवें गुणस्थान में आते ही वो पक गई, अब वो अपना फल देना चालू कर दिया उसने, तीर्थंकर प्रकृति ने अपना फल देना चालू कर दिया। अभी तक उसमें सब पानी खा सब चीज़ चाहिए थी उसे, अभी उसकी आवाज़ थी, अभी तक उदय आने का कारण नहीं मिला था उसको, अब वो उदय आने का कारण उसको प्राप्त हो गया। पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के सारे फल उनके परिपक्व हो गए, भली भांति ऐसे ही है अनंत भगवान जिनके कैसे वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए ऐसे ही है, और उनकी जो भी क्रिया है, उनकी जो कुछ भी क्रिया है वह सब उसके पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण उदय की है। जो जो भी क्रियाएं वो सब पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण है, माने वो सब पुण्य के उदय के प्रभाव से हो रही है। यहाँ से वहां विहार करें तो पुण्य का उदय है, उसमें पुण्य के उदय के कारण हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह विहार करें पुण्य का उदय, विहार करने में क्या पुण्य का उदय, अरे तीर्थंकर प्रकृति है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां भी धर्मोपदेश होगा, धर्मोपदेश ही तो होगा, विहार काहे के लिए होगा, धर्मोपदेश के लिए। तो तीर्थंकर प्रकृति तो अपना काम कर रही है, वो तीर्थंकर प्रकृति ही तो एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ का प्रवर्तन करा रही है, तीर्थ के प्रवर्तन का ही तो काम कराना उसको। तीर्थंकर प्रकृति का क्या काम है, तीर्थ की प्रवृत्ति हो, तो तीर्थ की प्रवृत्ति एक जगह बैठे बैठे कैसे होगी, सब जगह जाना पड़ेगा धर्मोपदेश के लिए। वो सब जगह ले जाएगी कौन, तीर्थंकर प्रकृति ले जाएगी, क्यों ले जाएगी, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, विहार भी कराएगी, बिठाएगी भी, खड़ा भी करेगी, तीर्थंकर प्रकृति सब करा देगी, उसके उदय में सब कार्य होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ये अभी उदय है, उदय का कार्य तो करेगी ना, तीर्थंकर प्रकृति तो अपना कार्य किए बिना रह नहीं सकती, उसके उदय में सब काम होगा। अरे इंद्र भी कहता है कि हे भगवान, ये वास्तव में आपके पुण्य का ही प्रताप है, ये आप ही के पुण्य का उदय है जो ऐसी उत्कृष्ट समोषण की रचना हुई है, हम यदि सोच के भी बनाते तो नहीं बन सकती थी, लेकिन आपका इसमें पुण्य का उदय ऐसा जबरदस्त निमित्त है कि अपने आप सहज स्वभाव से ही सर्वोत्तम लोकोत्तम रचना की निष्पत्ति हुई, अपने आप वो खुद देखता उसको, गजब चीज बन गई। वास्तव में भगवान का पुण्य लोक है, उनके पुण्य के उदय से भी लोग, हम तो उनके दासानुदास, माने उनके पुण्य के वशीभूत होकर ये सब हम काम कर रहे हैं, उनके दास है, उनके पुण्य के दास है। उन्होंने जो पुण्य बांधा है, उन्होंने पुण्य बांधा तीर्थंकर प्रकृति, तो वो तीर्थंकर प्रकृति हमको सब काम करा रही है, कुबेर को समोषण की रचना करा रही है, इंद्र को आज्ञा दिलवा रही है, इंद्र नीचे आ रहा है, उनका जन कल केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा कर रहा है, मोक्ष कल्याणक की पूजा करता हुआ सब काम करता है। भगवान का केवल ज्ञान इधर होता है और अपने आप देवों के वहाँ पे सिंहासन ले जाता है, बाजे बजने लगते हैं, अलग अलग चीजें लगती काय की वजह से, स्थूल का था ना मतलब, बाकी उनमें कह रहे तो उनके भली भांति पुण्य का फल जो है वो भली भांति प्रकट हुआ है।
तीर्थंकर प्रकृति का काम कर रहा हूँ। हाँ एक वो अलग दूसरा पुण्य, अनंत भगवान के एक नहीं है पुण्य का फल। उस समय तो उनके जो भी क्रिया है तो अनंत नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह रहे हम कि पुण्य का फल अनंतों के ही है। हम तो कह रहे हैं अनंतों के पुण्य का फल है, पुण्य अनंतों के भी अनंत पुण्य फल वाले हैं। उनकी जो भी कुछ क्रिया हो रही है वो पुण्य के उदय में हो रही है, और पुण्य के उदय में हो रही है किंतु किंतु ऐसी पुण्य के उदय से होने वाली होने पर भी वह सदा उदय की क्रिया महामोह राजा की समस्त सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती है। बस पूरी गाथा और टीका में मेन भजन की बात तो यही है कि वो जितनी भी क्रिया हो रही है वो मोह की सेना के क्षय से हो रही है, मतलब उसमें मोह का इतना सा भी अंश भी नहीं है। सारी मोह राजा की सेना तो पूरी पहले ही समाप्त कर दी है, क्योंकि वो यदि यहाँ होंगे, यदि उनका एक सैनिक भी हो तो वो सब गड़बड़ काम कर दे। मोह का अंश भी हो तो समोषण देख देख के मजा आ जाए। गृहस्थियों की क्या स्थिति, किसी के घर को ही कह दो क्या बढ़िया समोषण लाया, उसमें प्रसन्न हो जाता समोषण के मेरा घर समोषण। छोटी छोटी उपमाएं देते हैं लोगों, छोटे छोटे लोगों को बड़ी बड़ी, और लोगों कितने प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, होते ही नहीं होते। उपमा है केवल उपमा, साक्षात समोषण हो जाए तो इतने पागल ही हो जाएगा, आधा हार्ट अटैक हो जाए। इंद्र इंद्र आया इंद्र, सब अलग हटो ना भैया, सब इंद्र आया इंद्र, नहीं तुम पीछे इंद्र आए, इंद्र VIP लोगों आगे आगे बैठेंगे, सो इंद्र आगे की बेच में रिजर्व, खुद ही तीर्थंकर जाके वहां पे बेच लगाया। यदि मोह हो तो मैं ये बात ध्यान रखना, मोह होगा तो वो सारे नाटक करेगा। क्या क्या नाटक करेगा, फर्स्ट बेच सोदर में और उनकी विथ फैमिली, सेकंड बेच ईशान इंद्र एंड हिज फैमिली, सारे नाटक देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते सारे। अरे राजा आ जाता, राजा छोड़ो, राजा का छोटे मोटे आ जाते हैं, पार्षद आ जाते हैं, तो भक्तों के बेचारे भक्त ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई दीनहीन तिरंच बैठे हो वहां पे, ऐसी स्थिति हो जाती। कभी भी किसी भी धर्म सभा में नेता को बुलाना मैंने धर्म सभा का कचरा करना है, उनका काम क्या, वो आना है तो बैठे और सुने प्रवचन अपना, उनका क्या काम, वो क्या करेंगे यहाँ के, वो हमको सुनाएंगे हम उनको सुनाएंगे, और उनसे काम क्या, प्रयोजन क्या, काम करना हो तो बाहर निपटाएंगे, धर्म के क्षेत्र में उनको कोई प्रयोजन नहीं। कारण ये कि यदि वो आए तो उनको कौन संभाले, वहां अभी बीच प्रवचन में आ जाए तो आधे से ज्यादा लगा उनकी कुर्सी लगा या तो प्रवचन से उठ के बैठ सब चले जाए, और नहीं करो व्यवस्था नाराज हो जाए होते एक, और फिर दूसरी बात भी उनको बुलाओ तो 2-3 घंटे तो लेट आए बैठे रहो आराम से सब हमारे हिसाब से, मतलब फिर भी लोगों को बड़े प्यारे लगते, कुछ काम निकाल दें, क्या काम निकाल दें, तेरे बाजू में पुरुषार्थ नहीं जो उनके गुलाम बन रहा है एकदम, तेरे हाथ पैर में या तेरी बुद्धि में तेरे को वो नहीं है, और नहीं है तो यहाँ आ तेरे अंदर पुरुषार्थ आया कुछ, कैसे कैसे गुलाम चमचा गिरी कर रहे कुत्ते की पूछ जैसे दबा के। भाई साहब तुम अपनी वैल्यू से समझो, तुम क्या हो, क्या तुम अपने पुरुषार्थ को अपनी महिमा को क्यों नहीं समझते जो तुम्हें इनके सामने हाथ पैर हाथ फैलाना पड़ता है, क्या सब मोह के कारण से। मोह राजा जब तक होगा तो ये विभूति जो है ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि वो सब कर्मबंध के कारण होगी, लेकिन भगवान के मोह रूपी राजा पूरी तरह से चले गए, समस्त सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती। कौन कौन से राजा के, माँ मोह राजा की समस्त सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती, कौन सी क्रियाएं, वो औदय की क्रियाएं, और इसलिए वो राग द्वेष रूपी उपरांचक नहीं है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आओ, सो इंद्र आओ, जिसको जहां बैठना है बैठो, स्तुति करो तो स्तुति करो, और निंदा करनी हो तो निंदा करो, सबको यहाँ बैठ के
हमारे बारे में बुरा कहना, तो भगवान की वितरागता के बारे में कभी विचार करना कितनी परम वितरागता हो। सामने बैठा हो और इंद्र स्तुति कर रहा हो, चक्रवर्ती स्तुति कर रहा हो, सामने यही चक्रवर्ती एक यहाँ इंद्र, एक दूसरा इंद्र, पीछे इंद्र, चारों दिशाओं में घेर के खड़े हो सो इंद्र, और चार गांधारी गणधर, बड़े बड़े मुनिराज, 1,00,000 मुनिराज जिनकी सभा में हो, कितने 1,00,000 मुनिराज, और अनेक उसमें मना पड़े ज्ञानधारी, अवधि ज्ञानधारी, अनेक केवली, अनेक विक्रिया रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी, वादी, वाग्मी, सब तरह के उत्कृष्ट लोग, और विभूति में देखो तो 3 लोक के राजा, और क्या बच्चा आप दुनिया, अब भगवान को क्या होना उससे, निजानंद रसले इसलिए मोह राग द्वेष रूपी उपरंजक माने मलिनता करने वाले विकारी भाव, उनका अभाव होने से चैतन्य के विकार का कारण नहीं होते, वो सब उनके विकार का कारण नहीं होते, कुछ भी उनको विकार उत्पन्न नहीं करने में समर्थ होती, इसलिए उनके आगे तुम कुछ भी करो, नाचो, मतलब कहने का मतलब है तुम उनकी कितनी भक्ति करो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी भक्ति करो, कोई दिक्कत, बल्कि भक्तों के लिए कल्याण का कारण, भक्त का उद्धार मतलब अपने लिए हित के कारण है, क्या समझ में ही ना बात, हमारे हित के लिए ही है वो, और उनका उसमें कुछ भी मतलब उनके लिए वो पतन की कारण नहीं हो। समझ में, तो क्या होता है सामान्य छद्मस्थ जीव है, और यदि उसकी आवश्यकता से अधिक अपन उसके पुण्य का उदय हो और उसकी खूब भक्ति करें तो वो उसको विकार उत्पन्न कराते हैं, ये स्वाभाविक नियम, रागियों को पुण्य का उदय राग उत्पन्न किए बिना नहीं रहता, हो जाता उनको, होता ही होता है, नहीं होता होता, थोड़ी भी प्रशंसा करें अच्छा लगने लगता है, निंदा करें द्वेष उत्पन्न होता है, तो अब भगवान को यदि ऐसा होने लग जाए तो 3 लोक के जीव, 3 लोक, 3 काल का सबका ज्ञान क्या होगा, कितनी प्रशंसा, कितना राग और कितना द्वेष हो जाएगा, हाँ, इसलिए मोर आग द्वेष रूपी उपरंजक माने मलिनता करने वाले विकारी भाव का अभाव होने से वे सारी क्रियाएं चैतन्य के, या वे सारा पुण्य का फल, पुण्य का उदय चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती, चैतन्य में विकार उत्पन्न नहीं करती, इसलिए कार्य जब विकार ही नहीं है चैतन्य के भाव में, मोर आग द्वेष रूपी भाव नहीं है, विकार नहीं है, तो विकार का कार्य क्या है, बंद, तो बंद कैसे होगा, इसलिए बंद, इसलिए कार्यभूत बंद जो है उसका, विकार का कार्य क्या है, बंद, तो विकार नहीं है तो कार्यभूत बंद भी नहीं है, इसलिए कार्यभूत बंद की अकारणभूतता से और कार्यभूत मोक्ष की कारणभूतता से, भाई मोक्ष का कारण क्या है, मोह राग द्वेष रूपी मलिनता का अभाव मोक्ष का कारण है, और मोह राग द्वेष की मलिनता संसार का कारण है, तो मोह राग द्वेष भाव की मलिनता नहीं होने से वो मोक्ष की तो एक कारण और बंदगी है अकारण, समझ में है ना, बंदगी अकारण है, बंदगी कारण नहीं वो क्रिया है, और मोक्ष की कारणभूत क्रिया है, क्यों, क्योंकि मोक्ष की कारणभूत क्यों है, क्योंकि वो सब क्रियाएं होने से वो कर्म क्षय हो रहा है, तो मोक्ष जल्दी निकट आता जा रहा है, मोक्ष जल्दी आएगा, आयु भी क्षय हो रही है, कर्म भी क्षय हो रहे हैं, अब मोक्ष की ओर सन्मुख है, क्योंकि वो सब क्रियाएं से कर्म का क्षय ही हो रहा है, मोह राग द्वेष रूपी नहीं होने से बंद तो हो नहीं रहा है, और बल्कि जो भी उदय आ रहा है वो खिल रहा है, तो मोक्ष की कारणभूत क्रियाएं हैं वो सब, इसलिए कार्यभूत बंद की अकारणभूतता से और मोक्ष की कार्यभूत मोक्ष की कारणभूतता से क्षय की क्यों नहीं माननी चाहिए उनको बताओ, तो प्रश्न किया हमसे कि वो क्रियाएं उदय की क्यों कहें हम तो उन क्रियाओं को क्या कहेंगे, क्षय की, क्योंकि वो कर्म का क्षय करने वाली क्रियाएं हैं, कर्म को बांधने वाली क्रियाएं नहीं, जो कर्म को बांधे वो औदय की कहलाती है, जो कर्म का क्षय कराए वो तो क्षय की क्रिया है, हे कर्म के उदय से, और नॉर्मली क्या होता है कि कर्म के उदय से होने वाली क्रियाएं बंध का कारण होती है, देखो मिथ्यात्व के उदय से होने वाली क्रियाएं जो भी होगी सब क्या है, बंध का कारण,
क्रोध मान माया लोभ के उदय से होने वाली क्रियाएं बंध का कारण है, वेद के उदय से होने वाली क्रियाएं बंध का कारण है। लेकिन भगवान के साथ अलग चीज है कि वो उदय तो है, मनुष्य गति का उदय है, पुण्य का उदय है, लेकिन पर उसमें मोह राग द्वेष भाव नहीं है, तो वो उदय होने पर भी वो बंध का कारण है। बंध की अकारण भूतता होने से और मोक्ष की कारण भूतता होने से क्यों ना उन क्रियाओं को छाई की माने, छाई की क्यों ना मानना चाहिए, अवश्य माननी चाहिए। पर जब छाई की माने तब कर्म विपाक से माने कर्मोदय भी, कर्म विपाक भी उनके अनंतों के स्वभाव विघात का कारण नहीं होता। जब हमने छाई की मान ली, उदय की क्रिया मानी नहीं, तो छाई की क्रिया तो उनके स्वभाव का घात करती नहीं है, क्योंकि छाई की क्रिया तो उसको ही कहते हैं जो कर्म के छह से होती है, स्वभावभूत होती है, वो तो स्वभाव का घात कैसे करेगा। छाई ज्ञान स्वभाव का घात करता है, स्वभाव के घात बल्कि विभाव के घात से उत्पन्न होता है। स्वभाव रूप है छाई की भाव की विभाव रूप है, स्वभाव भूत है। तो जब उनके छाई की क्रिया है तो फिर वो स्वभाव का घात कैसे करेगी, वो तो स्वयं ही स्वभाव रूप है। और जब छाई की माने तब कर्मोदय भी उनके स्वभाव विघात का कारण नहीं होता, ऐसा निश्चित होता है। माने अनंत भगवान के ये सब पुण्य के उदय में होने वाली क्रियाएं उनके कुछ भी स्वभाव का घात नहीं करती, बल्कि उनकी वो सब क्रियाएं छाई की मानी गई, कोई दिक्कत। चार घातियां में भी अपने को तो एक ही पकड़ना है ना, मोह नहीं, बस मोह उसके पीछे पड़ा होता आप, बाकी सब ठीक है। जो भी मोह राग द्वेष का अभाव हो गया बस, उपरंजक मलिनता करने वाले मोह राग द्वेष भाव है, ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण, शक्ति की कमी होना, ये सब कोई दुखदायी नहीं है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो कितना ही हो। लेकिन यदि मलिनता है, रागादि भाव है, तो ये पुण्य का फल दुखदायी है। सच में पुण्य का फल दुखदायी है वास्तव में। यदि क्या है, मलिनता है, अपने को एक्चुअली मलिनता के नाश का उपाय करना चाहिए, और अपन क्या कर रहे हैं, पुण्य का फल कैसे आए। अरे पुण्य का फल आएगा और मलिनता होगी तो दुखी करके रख देगा, नवीन बंध का कारण बनेगा। संसार में रागियों को यदि पुण्य का फल आएगा तो और उससे भटकेंगे, सुधार तो ही नहीं होएगा। क्यों, जिसके धर्म के संस्कार नहीं है और उसके जितनी भी भोग सामग्री है, रुपया पैसा, वो सब काय में निमित्त बनता है, उसके भोगों में निमित्त बनता है, व्यसनों में निमित्त भूत बनता है, सब व्यसन के कारण बनती है, उसके पाप के कारण बनती है। संस्कार रहित व्यक्ति के धन भोग और व्यसन में निमित्त बनता है, और काय में पड़ेगा होगा, पैसा ज्यादा आएगा तो क्या करेगा, भोग में के लिए क्या करेगा, व्यसन करेगा। जिसके पैसा कम होता है वो दिन में ही शादी कर लेता है बेचारा, अपने आप पाप नहीं बनता उससे। और जिनके खूब होता है वो रात को ही करते हैं, डेकोरेशन तो रात को ही होगी। अब उनका वो अधिक पैसा उन्हीं के लिए पाप बनने का कारण बन रहा है, घास पे घुमाएंगे, आलू खिलाएंगे, अवक्ष खिलाएंगे, रात को खिलाएंगे, पद्दा नाचेंगे, सब गंदे काम करेंगे। क्यों, क्या करेंगे बताओ, मतलब वो भाई जितने जो शराब पी रहे हैं पैसे ही क्यों, पिया कैसे, पैसा आया पुण्य का उदय काय में लग रहा है। तो इसलिए संस्कार विहीन सुविधा एक वो है ना, वो पतन का कारण है। संस्कार विहीन जो सुविधाएं मिल रही है वो पतन का कारण। सबसे पहले ये होना चाहिए मोह राग द्वेष की कमी, वो तो बहुत है, तो वो सब जो कुछ भी मिलेगा वो उसके लिए पतन के कारण बने। समझ में ना, देखो आगे पढ़ता हूँ। अनंत भगवान के जो दिव्य ध्वनि विहार आदि क्रियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध
आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंद में निमित्त भूत पूर्व बद्ध कर्मोदय से उत्पन्न होती है। कैसे हो रही हो? पूर्व में जो बाधे हैं उस कर्मोदय से ये शुद्ध आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंदन होता है ना, मैंने जो योग बोला है उनका काय योग वचन योग इसको प्रदेश परिस्पंद कहते हैं। तो वो जो शुद्ध आत्म तत्व का जो भी अभी योग चल रहा है उस योग में कारण कौन है? पूर्व बद्ध कर्मोदय। पूर्व के बंधे हुए कर्मोदय से वो सब काय योग वचन योग होता है जिससे दिव्य ध्वनि कीर्ति विहार होता है। इसलिए वे क्रियाएं उदय की है क्योंकि वो पूर्व कर्म के उदय से होने से वो क्या है? उदय की है। वे क्रियाएं अनंत भगवान के चैतन्य विकार रूप भाव कर्म उत्पन्न नहीं करती। भाव कर्म नहीं है उनको, उससे भाव कर्म नहीं होता उन क्रियाओं से, क्योंकि उनके निर्मोह शुद्ध आत्म तत्व के राग द्वेष मोह रूप विकार में निमित्त भूत मोहनी कर्म का क्षय हो चुका है। भाई शुद्ध आत्म तत्व के विकार में कारण कौन है? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म का क्षय हो गया तो उनके वो विकार उत्पन्न नहीं करती और वे क्रियाएं उन्हें मोह राग द्वेष का अभाव जाने से नवीन बंध में कारण रूप नहीं होती, परंतु वे पूर्व बद्ध कर्मों के और बल्कि क्षय में कारण रूप है। नवीन बंध तो होता ही नहीं है बल्कि जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म वो भी क्षय होता है, क्योंकि जिन कर्मों के उदय से वे क्रियाएं होती है वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते हैं। इस प्रकार मोहनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने से और कर्मों के क्षय में कारणभूत होने से अनंत भगवान को वह उदय की क्रिया क्षय की कहलाती। दो चीजें दी उन्होंने, एक तो देखो मोहनी के क्षय से हुई है इसलिए क्षय की है, और जो क्रियाएं हो रही है वो कर्म के क्षय में कारणभूत है इसलिए भी क्षय की। माने वो कर्म जो है वो कारण और कार्य दोनों की अपेक्षा से विचार करो तो दोनों अपेक्षा से छाई की। मोहनी कर्म के क्षय के कारण हुई है इसलिए छाई की है, और नवीन कर्म का क्षय करा रही है माने जो भी आघाती कर्म है उसके क्षय में कारण है इसलिए भी छाई की। पहले मोहनी कर्म के क्षय का कार्य, मोहनी कर्म का क्षय कारण था और ये क्रियाएं उसका कार्य है, मोह विरुद्ध क्रियाएं, और आप वो कह रहे हैं कि क्रियाएं कारण है और आघाती कर्म का क्षय उसका कार्य है। तो दोनों अपेक्षा से विचार करो तो वो कारण और कार्य दोनों अपेक्षा से वे क्षय की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी एक गाथा और बच्ची अपनी अरंत भगवान की वक्त उदय की क्रिया क्षय की कहलाती होगी ना, तो एक और बच्ची बस और फिर ये अपना दूसरा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में दो प्रकरण और चलेंगे और ज्ञानाधिकार अपना पूरा हो जाएगा, फिर अपनी एग्जाम देंगे। सात गाथा बची बस, सात गाथा के बाद एग्जाम होगी क्योंकि सात और एक ही है, आठ, कुल आठ गाथाएं बची है। 45 हो गई ना, 53 गाथाओं का है ज्ञानाधिकार तक। 53 गाथा के बाद एग्जाम सब आएगा।